नमस्कार, सिंधु सागर चैनल जे सिंधु में तवा सभिनि जी दिली आजियां। वडे खुशी जी गाला है कि असा सा गड अज साईं ज्ञानदेव आहूजा साहेब आहिन। ज्ञानदेव आहूजा साहेब राजस्थान जे अलवर जिले जे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहा आहिन ऐं सालन खां सामाजिक राजनीतिक ऐं सांस्कृतिक टिन्ही क्षेत्रनि में जेको ॾाढा सक्रिय रहा आहिनि, सरगर्म रहा आहिनि। कॉलेज टाइम खां हिननि जेको आहे सिंधी ऐं हिंदी नाटक जे मंच ते कमु कयो आहे ऐं उन खां पोइ हिंदीअ जी फिल्मुनि में कुझु रोल अदा कया आहिनि। तंहिंखां पोइ जीअं ई हिननि खे संगठन जे पारां जेका ज़िमेदारी मिलंदी वई हली, चाहे उहो मज़दूर क्षेत्र हुजे या सिंधी सभा जो क्षेत्र हुजे या राजनीति जो क्षेत्र हुजे, उन्हनि में पंहिंजो सरगर्म रहिया आहिनि। ऐं वॾी जेका ॿी मां ख़ासियत ॿुधाईंदुसि, जितां भाऊ MLA चूंडंदा आहिनि उते असांजे सिंधी समाज जी जेका संख्या आहे उहा ॾाढी, नंबर जेके आहिनि वोटर्स आहिनि उहे ॾाढा घटि आहिनि। उते सॼो हिंदू समाज आहे, उन क्षेत्र मां असांजे जेको आहे प्रतिनिधित्व कंदा आहिनि। त वैसे मां हिकु सुवाल तव्हांखां पुछणु चाहींदुसि त असां जॾहिं सिंधी पाण में गॾजंदा आहियूं या किथे बि राम राम कंदा आहियूं त घणो करे सिंधी चवंदा आहिनि त साईं असां सूफ़ी आहियूं, त छा असां सिंधी सूफ़ी आहियूं? मां सूफ़ी शब्द सां सहमत कोन आहियां जी। इहो 11वीं शताब्दी खां पोइ जी 12-13 शताब्दी खां पोइ अनवरत मुसलमान जे हमले खां पोइ सूफ़ी संत थिया जी। इहा उर्दू ऐं अरबी फारसी जो शब्द आहे। सिंधी माना शुद्ध सिंधी, सिंधी माना पुनीत ऐं प्योर सिंधी जी। सिंध जो इतिहास मां कुझु ॿुधाईंदुसि, उन में काफ़ी ॻाल्हि अची वेंदी, पर सूफ़ी शब्द जो प्रयोग सिंधी हाणे न कनि, इहो मुंहिंजो आग्रह आहे जी। महिरबानी। त सिंधी जेकॾहिं सूफ़ी न आहिनि त छा आहिनि? शुद्ध सिंधी आहिनि। त शुद्ध सिंध जा वासी शुद्ध सिंधी माना जंहिंजे जीवन में का लोभ न, लालच न, का मिलावट न, मिलावट न। रामचंद्र मानस जो हिकिड़ो चौपाई आहे, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भॻवानु श्री राम चयो मूंखे उहे माण्हू पसंदि आहिनि जिन जे जीवन में को छल कपट ऐं छुपाव दुराव कोन्हे। त सिंधी इन स्वभाव जा माण्हू आहिनि, स्वाभिमानी आहिनि, स्वाभिमानी आहिनि। सिंध जे मथां ऐं हिंद जे मथां पंहिंजे संस्कृति सभ्यता जे मथां क़ुर्बान थियण वारा, बलिदान थियण वारा, शहीद थियण वारा न, शहीद शब्द बि उर्दू आहे। बिल्कुलु, मां उर्दू शब्द जो डिसेस कंदो आहियां, इन करे असां बलिदान थियण वारा आहियूं, न्योछार थियण वारा आहियूं जी। बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां ठीकु था चओ कि छो जो असांजी जेका संस्कृति आहे उहा सिंध जे करे थी हले। त जेकर असीं थोरो सो पुठियां इतिहास में हलूं, जेका तव्हां ॻाल्हि कई पिए, त जेको ऋग्वेद आहे उन ऋग्वेद जी रचना सिंधु नदी जे किनारे ते थी आहे हली। ऐं हिकु किताबु राष्ट्र सिंधी भाषा विकास परिषद बिल्कुलु स्पेशली छपारायो आहे, जंहिंमें ऋग्वेद जा जेके सिंध जे सिंधु नदीअ जे बारे में 9 श्लोक आहिनि, 10 मंडल में 76वें सूक्त में बिल्कुलु सिंधु नदीअ जी पूरी सराह कयल आहे। त चवंदा आहिनि गंगा ऐं जमुना खां वधीक सिंधु नदीअ जो नालो ऋग्वेद में आयो आहे। त बिल्कुलु तव्हां जेको चयो ॻाल्हि की असीं सूफ़ी न पर असीं वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति जेका आहे उन जा वारिस आहियूं, त इहा जेका असांजी वैदिक संस्कृति आहे जंहिंखे आम माण्हू चवंदो आहे इहा हिंदू संस्कृति आहे, मां इनखे अञा वधीक ठीकु तरीक़े सां चवां त इहा सनातन संस्कृति आहे। तॾहिं सनातन संस्कृतिअ जे बारे में कुझु असांखे ॼाण ॾींदा? असल में अंग्रेज़नि ऐं वामपंथनि जेको इतिहास लिखियो आहे जी, त आर्य ॿाहिरां आया, आर्य असीं हिते जा मूल आहियूं। जीअं असां में जातियूं आहिनि तीअं आर्य देवल ॿ सभ्यताऊं हिकु तरह सां जाती व्यवस्था, इन करे द्रविड़ जे बि हिते आहिनि, आर्य बि हिते जा आहिनि, असीं मूल आर्य आहियूं। ऐं आर्य माना शुद्ध, आर्य माना शुद्ध, इन करे आर्य संस्कृति खे मञण वारा। मां सिंध जो इतिहास सुरेश जी बबलन साहिबु ॻाल्हायां जी, सिंध जे इतिहास जे बारे में। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, पहिरीं मां सिंध जे बारे में, पोइ सिंधु मां हिंदू, सिंधुस्तान मां हिंदुस्तान, उन ते मां पंहिंजो प्रकाश विझंदुसि। बिल्कुलु, सिंधु संस्कृति ऐं सभ्यता हिन ब्रह्मांड में, ऐं ब्रह्मांड में इहा पृथ्वी, पृथ्वीअ में सिंधु सभ्यता संस्कृति विश्व जी दुनिया जी पहिरीं संस्कृति आहे।
जी उन चाइना चीन की संस्कृति आ उनका वो यूनान बो सभ्यताओं तो हुई को ये टे सभ्यताओं के पनपियो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ है वह किथा की शुरू थे मां संक्षिप्त 10 मिनट में गाल पूरी कदस जी हाल तो लंबी आ डिघी आ पर 10 मिनट में 12 मिनट में कैलाश पर्वत ते भगवान शिव कैलाशपति उतना ग्लेशियर वहन था बर्फ वहे थी बर्फ वही वो जल मानसरोवर झील में तो अचे मानसरोवर झील जो अमरनाथ यात्रा थी मानसरोवर झील इन टाइम चीन के कब्जे में आता ही अंडरग्राउंड भूमिगत जल अचे तो उनको उद्गम थे तो लेह लद्दाख जिथे माननीय अडवाणी जी ए असो राष्ट्रीय एक साप्ताहिक आ पांच जन्य उनको प्रमुख जो को संपादक हो तरुण विजय श्री तरुण विजय उन 26 साल पहली सिंधु यात्रा शुरू कई वो अज ती हले पी सिंधु यात्रा समिति नाले से यात्रा हर भेरे 23 24 25 26 जून 27 असि वापस आयो जी वह जो जल कैलाश मां ग्लेशियर वया वही करे मानसरोवर झील में अंडरग्राउंड वो पानी हलो वाटर हलो तो वो अची निकतो लेह लद्दाख में उत्ते हिंसर लद्दाखियन पहली भारतीय संस्कृति सभ्यता वाला सिंधु सभ्यता वाला हा उ चवन उत्तर सिंधमुख असि चौंता सिंधुमुख उत्ते सिंधु नदी जो उद्गम थे तो उत्ते हर चार साल वेंदा आयो दर्शन करण उत्ते सिंधु भवन भी ठीक वो भवन ठीक वही गाल है असि नई टही के नई कड़ी के सिंध जो इतिहास जो छा पन्न के ध्यान को मुसलमान के अनवरत हमले का सभ्यता संस्कृति के असि व्यासु भूल जी ए घा कर पंजा न सठ न 70% शब्द अस उर्दू अरबी फारसी अची मां संक्षिप्त तो करा उत्ते सिंधु नदी उद्गम उ सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में कारगिल थी करे जो कारगिल जो युद्ध थो कारगिल थी करे श्रीनगर थी करे वह नदी वे थी पूरी सिंध में वही किरे थी सिंधु सागर में सिंधु नदी जो इतिहास से सिंधु सभ्यता संस्कृति असानी वध्यल आहे पहरियों युग सतयुग में हरणाकश्यप राक्षस वृत्ति उनके पुट प्रहलाद भी पुट जो पा में युद्ध को भाईचारे जो बंटवारो को उनमें भगवान के मनू या न मनू भगवान माना श्री हरि विष्णु उनका पो राम जन्म थोड़ा सतयुग में श्री हरि विष्णु उनके मनू या न मनू उनको टगड़ा हलो भगत प्रहलाद जो मूल स्थान जो हिंसर चवन था मुल्तान वो मूल स्थान उत्ते एडो वो मंदिर हो जो असो पूरा मानसरो 100 सेक्टर एडी वही जमीन या नंढे जिले जो पूरा क्षेत्रफल उत्ते प्रहलाद मंदिर या जीर्ण शीर्ण थी है मुसलमान जो कब्जो थी है मस्जिदों ठीन पर अजा भी मंदिर है हरणाकश्यप प्रहलाद जो टकराव थो यो सतयुग सिंधु नदी के किनारे बो युग आयो त्रेता जी। त्रेता युग में भगवान इश्वाकु वंश भगवान श्री राम जो जन्म थो अयोध्या अवध में जहाँ सरयू नदी के किनारे कुदरत की गाल दसो तमाम प्रकृति दसो भगवान श्री राम जा ब असाजा पुट कहीं साहिबजादा चवंदा साहिबजादो उर्दू शब्द आ बुत लव कुश उ जैसे अश्वमेघ यज्ञ कर भगवान श्री राम असाजे रघुनाथ जी श्री राम द उ अश्वमेघ यज्ञ जो घोड़ो छद्यों वो घोड़ो पकड़ियों सिंधु नदी के किनारे ए लव कुश कि आया उत माता सीता कि आई लव के नाले तो लव होर जो अज लाहौर लाहौर कुछ नाले से कुशाची जो अब अभ्रंश थी करे कराची आ सिंध में कराची जी बिन्हीं पुटन के नाले से ये वाला शहर है वर्षा या त्रेता युग की संस्कृति थी सभ्यता थी भगवान श्री राम जहाँ वंशज उनका अगत वो यो युग आयो द्वापर ए द्वापर युग में भगवान कृष्ण दसो प्रकृति भगवान कृष्ण जो जन्म मथुरा में जेल में जी उन मामा कंस उनके जन्म विधो माँ पी के छो त मथा आकाशवाणी थी तो तुझो अंत तुझे भाणे के हथा ही आ
ओ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण 16 कला समर्थ हो, जन्म मथुरा में जेल में। उन्होंने क्रीड़ा स्थल बचपन जो जो नंढी क्रीड़ा स्थल वह गोकुल वृंदावन बरसाना। उन्होंने जो ताजुब कंदा हो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र रहो महाभारत जो, पर उन्होंने 28 साल की उम्र में उन्हें पैंजी राजधानी जो सिंधु नदी तमाम कर कर शहर वन वाली पवित्र नदी हुई, सिंधु नदी के लास्ट जो को आखिर में सिंधु सागर में किरे थी, समाय थे थी, संयुक्त कर्ण थे तो उत्ते वनी पैंजी द्वारका राजधानी ठाई। ओके, माना द्वारका माना पहले बेड़ द्वारका, पुरानी द्वारका, नई द्वारका, पुरानी द्वारका सिंधु नदी में उछाल अचण के करे, तरंग वधण के करे, बहाव क्षेत्र वधण के करे, बाढ़ अचण के करे, वह जो सिंध सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी में वही असली जगह असा जो मूल इष्ट देव आ भगवान शिव। असा सिंधियों के यो ध्यान रखना खबे, मूल देवता भगवान शिव, इष्ट देव माँ सती। माँ सती जा पूरे देश में मंदिर है, वो दक्ष राजा जो यज्ञ सती जो उनमें समय किरण उनमें समय उनमें आहुति दियण भगवान शिव तानो नृत्य कयो, छो तो भगवान शिव के नटराज चंदा उनका पैरों पिंड अगर किरो उन्हें जो तो वो हिंगलाज माता जो मंदिर क्वेटा पेशावर के कुंड से सिंधु के कुंड से क्वेटा पेशावर नालो पे मुसलमान का अरे हिंगलाज माता जो मंदिर आ सिंधु नदी के कोणे से क्वेटा पेशावर बिल्कुल त सिंधु जो इतिहास सतयुग त्रेता युग द्वापर द्वापर में भगवान कृष्ण उत्तर द्वारका वसाई आश्चर्य गाल उन्हें वापस इतने आया कुरुक्षेत्र युद्ध पो थो ते युग सदा जुड़े रहन सिंधु सा ही चौथु युग आ माना वीर सावरकर जो लिखो में विद्वान लिखो पर वीर सावरकर असो देश जो हिंदुत्ववादी हिंदुन जो एकड़ो तपस्वी राजनीतिक नेता को संत जै पूरे जीवन सेलुलर जेल में और कोलू हलाए वधाए अज की सत्ता कांग्रेस सत्ता उन्होंने उपेक्षा कई का गाल को पर वीर सावरकर जो हिंदुत्व लिखो उनमें लिखो सिंधु से हिंदू सिंधु में हिंदू सिंधु स्थान में हिंदू स्थान माना हिंदू केतरा पवित्र इन बारे में उन्हें व्याख्या कई आए तो ऋग्वेद में भी हिंदू जो हीन दीन नहीं वो हिंदू हिंदू शब्द उत पर वीर सावरकर जो लिखो मान सिंध में हिंदू से सोचा हिंदू दुनिया में कें मजहब मत संप्रदाय कें रिलीजन जो दुश्मन को हिंदू जो धर्म आ मूल में वैदिक धर्म आर्य धर्म वैदिक धर्म आर्य जो वेद पढ़ा हा चार वेद ए वेदी पढ़ा हा असि भी शादी विवाह में वेदी थे थी वेद मंत्र थीन था तो वैदिक धर्म आर्य धर्म या उनकी सनातन धर्म नित्य नूतन चिर पुरातन जो सत्य है अंग्रेज में यूनिवर्सल फैक्ट वो सनातन धर्म आस सनातन धर्मी आयो बिल्कुल असि सिंधी सब सनातन धर्मी आयो असा के सिंधियों के यो न भूलजन खबे तो असि हिंदू आयो इन कर सिंधी के इतने आया थी असो जो मूल आ गोत्र वो राजा जो थो सखड़ जो राजा महाराजा उन्हें जो टेटी गोत्रों आने टेटी गोत्रों ए उन टेटी गोत्र में असाज सिंध जी जुनेजा सुनेजा आहूजा मुखीजा मुखीजा मल्होत्रा खुराना सानी चड्डा मिड्डा ये जो पंजाबी लिखंदा अज ये सब सिंधी गोत्रों ए महाराजा थो सखड़ में रोड़ी उन राजधानी असा यो न भूलजन खे असा यो न भूलजन खे तो हि जो अस लिखू त आम रामनानी खेमनानी बबलानी या तीर्थानी ये असाजे दादे पड़ा जी जे सरनेम या गोत्र को नुख गोत्र माना हिंदी सिंधी में शब्द नुख गोत्र हिंदी लिखा पा नुख लिखा पान के पैंजी कई के टई के यो वापस स्टडी करण खबे हरिद्वार जा पंडा या जगन्नाथपुरी पैंजा पहली सिंधी जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी वेंदा हा रामेश्वरम चार धाम त जगन्नाथपुर के पंडन का मां कढ़ाई उते भी असा आहूजा गोत्र निकी आई अस हरिद्वार कढ़ाई तरफ तो ये नुख जो महाराजा रूढ़ अरुण वंश
अरुण महाराजा भगवान श्री राम जो सतटी संतान आको सखड़ में थो उन टेटी गोत्र वो इतना वो टाइम लगे मां हिंदू से तो अचा हिंदू कैंजो दुश्मन दुनिया में कोने हिंदू जा चार पॉइंट बुधा तो आम सिंधी के आम हिंदू के हिंदू के सब समझ में अच्छी पैरों पॉइंट आए असाजे ऋषिन मुन संतन महात्मन खगोल शास्त्री आ भौतिक शास्त्री आ रासायनिक शास्त्री आजे जो हल्दा हा जे मंदिर उनमें पैजा स्कूल पढ़ा उनके गुरुकुल चंदा गुरुकुल व्यवस्था गुरुकुल में सिर्फ संस्कृत न पढ़ाई पढ़ाई वी हुई उनमें साइंस टेक्नोलॉजी भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र सब माना को शास्त्र बकाय को हो जो अस पढ़ाई वो हो तो असाजे ऋषिन मुनन पैरी पैरी जगह गोल्हा कई जो हर डिस्कवरी चैनल में जोग्राफी चैनल में हले तो अलग अलग असाज चौरस इलाक जोड़ियों उनमें धरती से हलण वा जलचर थलचर भी जलचर भी हवाईचर भी मान मथे घुमण वा तो अस चौरास इलाक जोड़ियों के मंझण वा चौरास इलाक जोड़ी प्राणी में सभी का पैर पॉइंट आ मानव मनुष्य जो अस मनुष्य सब का महान छो आन मनुष्य इन कर महान आन जो मनुष्य के बुद्धि आथन ब पेर सोच जो वीचार जो दिल जो दिमाग जो मेल आ तो पैरी असाजी पॉइंट आ मनुष्य जोड़ी मनुष्य जोड़ी में हाँ सभी की पूजा थी को सके मान हिंस टेटी कोटी चवंदा हा हिंस करोड़ों अरबों खरबों असाजा लगभग दुनिया में छह साढ़े छह करोड़ मानव हों हले तो जोग्राफिकल पढ़ी पर उनमें सभी पूजा को थी पैरों पॉइंट मानव मानव में पूजा थी उन महापुरुषों की जे अवतारी महापुरुष जे जिनो ऋण असके ठीक मार्गदर्शन मिलो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण भगवान असो उन भगवान बुद्ध थो महावीर थो इश्वांग वंश में उन असाजा घणी संत महंत ऋषि मुनि जिन महापुरुषों जो अवतार पुरुषों जो असा ऋण पैरों पॉइंट मानव की पूजा माना अवतारों की पूजा बो पॉइंट इन रही थी वे संपूर्ण जीव जंतु और पक्षी पक्षी जलचर थलचर और हवा में उड़ने वाले नभचर इन तीन में हमने पूजा की गाय माता की। गाय माता की क्यों पूजा की कि गाय माता में साइंटिफिक कारणों से वैज्ञानिक कारणों से गाय के दूध में गाय के मूत्र में गाय के गोबर में और गाय के मुंह के निकलने वाली झाग में और गाय का प्रत्येक अंग पवित्र है। हमने कहा 33 कोटि देवी देवता गाय में वास करते हैं। गाय के में सूर्य का गाय के दूध में सूर्य का सीधा वास है। गाय का दूध केसरिया पीला मक्खन और घी भी उसमें जो शक्ति हमारे ऋषि मुनि पहचाने तो गाय को हमने माँ करके कहा। यहाँ माँ का शब्द आया माँ करके कहा क्योंकि यह माँ की संस्कृति है। मैं आगे भी माँ की को व्याख्या करूँगा। यह गंगा माता अपने नदियों को भी माँ का गंगा चाहे कावेरी चाहे नर्मदा चाहे हमारी यमुना और भी नदियाँ ये तो गाय माँ को माँ क्यों कहा क्योंकि हमने इसको धार्मिक पुट दिया और गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण ने गो पालन किया तो गाय को माँ कह करके हमने पूजा की और इसलिए गाय को संपूर्ण जीव जंतु पक्षी पशु पक्षी के रूप में हमने एक पॉइंट दूसरा गाय माता और तीसरा यह लंबी व्याख्या है मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ नंडो तो करें क्यों संपूर्ण मानव में महापुरुष संपूर्ण जीव जंतु पशु पक्षी में गाय माता अब तीसरा आया हरियाली दूब से लेकर के बड़ का पेड़ आंवले का पेड़ पीपल का पेड़ नीम का पेड़ जिसको शीशम कहा जाता है पंजाब में हरियाणा में टाली कहते हैं ऐसे सैकड़ों हजारों हमारे पेड़ तो संपूर्ण हरियाली को हमने पूजा हमने संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण को पूजा और सबसे पहले 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 धूप धूप की गुठली बना करके पुरोहित ने पंडित ने पुजारी ने हमारा जो जो यज्ञ होता है हवन होता है या धार्मिक कार्यक्रम होता है गाय धूप की गुठली बनाकर और जल के लोटे में उसको लेकर के हमारा हस्त
वृक्षारोहण कराया माना हथ धारियूं तॾहिं असीं पूॼा कंदा आहियूं त गुठली हाणे गुठली जी जॻह ते पान जो पतो बची वियो आहे पान जे पते खे बि पाणी में विझी करे हुन सां हुन में हथ धरींदा आहिनि त पान जो पतो उन जॻह ते पर असली आहे धूप जी गुठली धूप खे पूर्वाप चवंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ असां मञूं था आंवला कल एकादशी थी अलामकी और काशी विश्वनाथ रंग भरी एकादशी ग्यारह माना उन ते आंवले जी पूजा थींदा आंवले में ताजुब कंदव त ब्रह्मा विष्णु महेश टिनि जो वास आहे ऐं उन में पतनि में उन जे टहनि में प्रजापति जो वास आहे ब्रह्मा त एॾो वॾो आंवले जी विशेषता इन करे आंवला पूजन आंवला अष्टमी आंवला एकादशी असांजी माताऊं भेनरूं पूजा कंदियूं आहिनि पर असली जेका हरियाली में पूजा थी वण जी उहा वण थियो पीपल पीपल भॻवानु विष्णु जो अवतारु आहे हींअर असीं बीमार पऊं था असीं लखे करोड़ ख़र्चु करियूं था अस्पताल में असांखे आर्टिफिशल बनावटी ऑक्सीजन मिले थो पर ताजुब जी ॻाल्हि आहे आश्चर्य जी ॻाल्हि आहे त पीपल माना वण पीपल जो वण पीपल में स्त्री पुरुष ॿई आहिनि पीपली ऐं पीपल ॿिन्ही जो मांगलेवास ब्यावर जे अॻियां पेड़ आहिनि साफ़ ॾिसण पियो अचे महिला जी योनी ऐं लिंग उहो माना पीपल जो हिकु तरह असांखे भॻवानु विष्णु जो लक्ष्मी जो असांखे अवतार ॾिसणु अचनि था त पीपल ऐं पीपली पीपल में 24 कलाक ऑक्सीजन मिले थी ऐं उन सां गॾु बड़ उहो ब्रह्मा जी जो ऑस्ट्रेलिया में हिकिड़ो वणु आहे बड़ उन जो ताजुब कंदो आहे 6 एकड़ खां वधीक 6 किलोमीटर खां वधीक बड़ जो पेड़ आहे हिते बड़ा वॾा वॾा पेड़ आहिनि ऐं उन जूं जटाऊं जीअं ब्रह्मा अलॻि अलॻि जातियूं परिवार पक्षी पंछी जीव जानवर पैदा कया जीअं ब्रह्मा जो अवतार ब्रह्मा खे चवंदा आहियूं असीं बड़ जे पेड़ खे त बड़ पीपल ऐं उन खां वधीक पवित्र धूप उन खां वधीक पवित्र तुलसी दल जंहिंखे चवंदा आहियूं माता तुलसा छो त मां ॿुधायो न माउ जी संस्कृति आहे गंगा माता गीता माता गऊ माता धरती माता हमको जनम दिले असांखे जनम ॾियण वारी माउ माना हीअ माउ जी संस्कृति आहे ऐं माउ जी संस्कृति में टिनि देवियुनि खां अगरि तव्हांखे विशेषता ॿुधायां माउ सरस्वती असांखे विद्या विवेक ज्ञान थी ॾिए माउ लक्ष्मी असांखे धन थी ॾिए 24 कलाक असां अगरि सात्विक आहियूं वास्तविक आहियूं एक्चुअल ऐं फैक्चुअल आहियूं त असांखे धन मिलंदो ऐं उन सां गॾु माउ शक्ति दुर्गा माँ जगदम्बा माँ अंबे माँ जगदम्बे माँ संतोषी माता वैष्णवी माता अलॻि अलॻि जॻह ते अलॻि अलॻि सरसा माता अलॻि अलॻि जॻह ते अलॻि अलॻि नाला माँ दुर्गा अहिड़ी शक्ति आहे असांजी धीअरुनि खे नुंहरुनि खे माउरुनि खे पंहिंजे पाण कमज़ोर न सम्झणु खपे छो त माँ दुर्गा उहा शक्ति आहे जेका सिंह सवारी जी करे टाइगर बाघ या लॉयन बबर शेर सवारी जी करे असां मां पुरुष मानव असीं माण्हू मर्द केतिरा बि ताक़तवर हुजूं पर सिंह जी सवारी असां कोन कई उहो मां दुर्गा जी करे हाणे चोथो पढ़णु अचे थो इन खां अलावा संपूर्ण जड़ ऐं चेतन जी संपूर्ण जड़ ऐं चेतन उन में असां पथर खयों पथर असां मूर्तिकार खे ॾिनो मूर्तिकार उनखे थोरे छेणीअ सां ठाहे भॻवान जी मूर्ति शिव जी या ब्रह्मा जी या विष्णु जी या अवतार कृष्ण जी भॻवानु राम जी माता लक्ष्मी जी या सरस्वती या कंहिं देवी देवता जी मूर्त ठाही ऐं उन मूर्त खे असां मंदर में तेसि ताईं कोन पूॼो जेसि ताईं उन में प्राण प्रतिष्ठा थी वञे बिल्कुलु असांजी भेनरुनि माताउनि उन ॻोठ में माना गांव उन ढाणीअ में माना नंढो गांव ढाणी ॻोठ पुरवा या पुरा अलॻि अलॻि जॻह ते अलॻि अलॻि नाला आहिनि असांजे राजस्थान में आहे ॻोठ गांव और ढाणी सिंध में हूंदो ॻोठ में या शहर में या कस्बे में मंदर में तेसि ताईं असां उनखे कोन पूॼो जेसि ताईं ब्राह्मण देवता कोन आयो पुॼारी अची उनजे अखियुनि में पटी ॿधल प्राण प्रतिष्ठा कई मंत्र पढ़िया वेद मंत्र पढ़िया प्राण प्रतिष्ठा करे अखियुनि मां पटी वधाई ऐं उन मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा थी प्राण भरिया तॾहिं असां उनखे भॻवानु देवी देवता मञूं माना हिंदू कहिड़ा दुश्मन कोन असांजा दुश्मन दुनिया में छो थिया छो त हिंदू संचयवादी आहे सिर्फ़ु उपभोक्तावादी कोन्हे
मुख्य हिंदी शब्द इन करे ता समझी वदाओ सिर्फ खर्च करण वारो कोने सहरणवादी कोने संचयवादी सहरणवारो असा मंदिर में भगवान के इतरो पैसो चढ़ायो चढ़ावो चढ़ो आ इतरो संचय कयो घर में भी है ना एकर कहावत आ ना पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय माना पुट मुझो अगर काबिल आए पुट मुझो योग्य आए सपूत आ तो पाने कमाई दो पुत कपूत आ तो मैं करोड़ रुपया छड़ी वजा विजा छड़ी इन कर असा संचयवादी हूँ संतान ला पैसों रखूँ था पर यह कहावत उन गड़ हल थी तो अस संचयवादी हूँ तो असाजा बिन मंदिर जो मां तुम उदाहरण तो दिया पैं सिंधी भावर के हिंदू भावर के अस हिंदू आयू एक असो मंदिर सोमनाथ बिल्कुल सोमनाथ मंदिर से अनुरत मुसलमान हमलो कयो मोहम्मद गजनवी उन्हें इन करो कौन कह तो सिर्फ मूत्र में भनो अस मूर्ति को मनु अस मूर्ति उन्होंने सोमनाथ मंदिर के खजाने को लुटण लुटण हो 119 ढी तद हल बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी रेगिस्तान हो डिजायर उतने ऊंट गाड़ी हुई उठन की गाड़ी तो 119 ढी अलग हजारों हजार उठन जो गाड़ी भरे सोना चांदी हीरो जवाहरात खी वह प्यो असो साउथ में आए केरल में पद्मनाभ मंदिर शायद तुम भवर डिठो हों दर्शन किया चार भेरा उत में पद्मनाभ मंदिर भगवान विष्णु कार्य पत्थर में सुमल आ उत छह खजाने या गेट आ राजा जनता एतरो चढ़ाव चढ़ो एतरी श्रद्धा में पैसो चढ़ो हीरा जवाहर सोन चांदी तो यू केरल की सरकार कम्युनिस्ट सरकार वामपंथ सरकार अधार्मिक सरकार चो तो भाई खजानो इतने आए असके बजट की कमी थी पे गरीबन के भले ला जो नाटक पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर सच्चाई आ सुप्रीम कोर्ट आदेश किया सिर्फ चार गेट खुलिया उन चार गेटन में जो खजानो मिलो असाजे राजस्थान ने देश जो 1000 साल बजट जो पैसो सोना चांदी हीरा जवाहर था मिले अजा ब गेट बंद बिन मंदिर जो मौजूद अस केतरा बया मंदिर जगह जगह से हरिद्वार में प्रयागराज में काशी में अवंती में और सो उज्जैन में मदुरा में मद्रास में कन्याकुमारी में अलग घणन मंदिर में घणो धन आ सिंधु जैसे मुसलमान हमलो थो तो सिंधु नदी पार करे सिंधी असाजा हिंदू वह बहावलपुर डेरा इसार खां डेरा गाजी खां मुल्तान मुल्तान लाहौर रावलपिंडी सरगोदा गुजरावाला गुजरात उन्हें जो गोत्र उए असाजा उत्तराधी लिखन था राजा जो जो बुधाएं अठोटी से गोत्रों उत्तर पास लिखन था दाऊद सखर जहाँ रोड़ी जहाँ शिकारपुर जहाँ या पंजाब वाला लिखन था असली गोत्र जो आजा गोत्र लिखू नुखू ओलूँ नुखुन के पुट के पुटन के पुटन के वापस आ नुखू लिखूँ यो वही दोहरा कर निवेदन तो करना चाहें जो जो थी सके हाँ ये पाका वन जहाँ हालांकि परे थी कदें ईद कद रोजो हाँ मुझे खान पुट पैं पुण्य चवंद हाँ यो सब परे थी जो थी सके सिंधी में चौथे सिंधी मूल आ संस्कृत में निकतर बिल्कुल संस्कृत में निकतर शब्द आरो शब्द सिर्फ मां सिंधी बुझा तो किथे असी किथे था वनू पंजाबी में आए उत्तराधी में आए उत्तर पास में किथे तो वे पंजाब में किथे जा रहा है कितों आ रहा है ना गेनवंज अध पंजाबी डेरा इस्माइल खान डेरा गाजी खान बहावलपुर मियाँ वाली उत रो गेनवंज है ना खावन असि चव खाई वन है ना ये जो शब्द है असि टिन छोकर पुट पैदा थे तो वो टिकर वो चंदा टिकर पर थोड़ा थोड़ा शब्द में फर्क आ पर पंज जिलों में सिंधी 75% शब्द है वही बुधा तक बहावलपुर मियाँवाली डेरा इस्माइल खान डेरा गाजी खान मुल्तान उन अगत पंजाबी हल प्योर उत पा चौं हि असो नाठी आन अस पुराना है अस शब्द में थोड़ा हेर फेर आ पर सिंधी में पंजाबी ए सिंधी में महाराष्ट्र में अस तुझो नालो है महाराष्ट्र में आए तुझो नाव का है न पा चौं लाइन चालू आए महाराष्ट्र में आए लालबत्ती हरिबत्ती लाइन चालू आए लाइन बंद बिल्कुल माना गुजरात में कच्छ में सिंध महाराष्ट्र में पंजाब में असाजा बिहार में भी घणे शब्द तक मिलता
टाइम निकली दो काफ़ी टाइम थी वो मां समझा तो मां जो तक व्याख्या बुधाई आ सिंध जो इतिहास असो इष्ट देव तो भगवान शिव ए पार्वती पंजाब जो इतिहास असि भटकी वाया वापस इन भटक घने पंथ पथांतर मत मथांतर अस वापस सनातन धर्म से मोटी अचूँ भगवान राम के मनु भगवान कृष्ण के मनु गुरु दत्तात्रेय के मनु ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु गणेश के मनु वापस मोटू सनातन धर्म से मुझे तरफा तभी के सतनाम साखी जय श्री राम एक अस पंथ प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य साईं टेऊंराम जो पंथ वो सतनाम साखी हिंदू वासी इन कर हिंदू में आया अस हिंदू वासी अज भी हिंदू हूँ सिंधु में हिंदू थी करे इन कर ध्यान रही असो अगत हल कर नई टई नई कड़ी नई पीढ़ी वह उन कल्याण थी अस मूल सनातन धर्म में सनातन धर्म लौटी इज़राइल वाला तो हजार साल तो ही को भुलजा यरूशलम अस्सी सत्तर साल में सिंधु के हिंदू के भूल जाए बिल्कुल दोस्तों भाऊ जी का गाल बुधाई है कि असी सनातन संस्कृति के मनने वाला आयो तो असा जे 12 महीने ना चेट वैसाख जेठ आखार सावण बड्डो असू कत्ती नायरी पोह माघ ए फगुण इन 12 महीने के तुम जो खड़ा तो 12 ही महीने में सिंधी कें हर एक महीने में असी कें न कें प्रकृति की पूजा था क्यों यानी अस जीव जंतु की भी पूजा था क्यों एंड प्रकृति की पूजा था क्यों तो असी सनातन संस्कृति जहाँ वारिस आयो यो असा के न बुझण घुर्जे राहुल तुम कुछ पुछण चाहिए भाव वंशज आयो यस वंशज आयो खुशी थी एतरो पांजो सुठो इतिहास बुधी करे जेको सिंध जो खणी आया आहियूं पाण पर साईं हाँ मुझे एक सवाल आया कि अजकल जेके बार आहिनि उहे सिंधी न पिया सिखण वेठा स्कूल्स में जी सिंधी थर्ड लैंग्वेज भी कोने जी तव्हां एतरा साल पॉलिटिक्स में ॾिना आहिनि त हिन खे कीअं वापसि उन मोड़ ते आणजे जीअं अजमेर में जाम सारा सिंधी स्कूल हुआ कंहिं ज़माने में पर अॼु को ॾिसूं था त को एकर छेकर को बचो आहे त हुन दिशा में कीअं जीअं घर ॿार अॼुकल्ह सिंधी ॻाल्हाइनि ई नथा नंढा ॿार उन्हनि ते ज़ोर पियो ॾिनो वञे की भई इंग्लिश सिखनि या ॿी का भाषा सिखनि त ईअं त कोन्हे की सिंधी जीअं नारायण श्याम जीअं चवनि था पंहिंजी कविता में की अला हीअं न थिए जो किताब में पढ़जी हुई सिंध ऐं सिंधी हाँ तो उहे ॿार हाणे धीरे धीरे विसरनि था जेके पुराणियूं बात तो क्वेश्चन सुठो कयो आहे प्रश्न मां पॉलिटिक्स में आहियां ऐं उतां ई विधायक लॻातारि रहियुसि लॻातारि जिते हिकिड़ो सिंधी घरु कोन्हे हिकिड़ो सिंधी परिवार कोन्हे हिकिड़ो सिंधी वोट कोन्हे उते रहे थो पर सिंधियुनि ॿारनि खे सिंधी छो नथा पढ़नि इन में ग़लती जेको आहे न असांजे ॾाॾीअ जी ॾाॾे जी पीउ जी माउ जी भेण जी असांजे वॾनि जी आहे बेट खाना खाओगे बेट कपिड़े पहनोगे जी घर बैठोगे अच्छा का जाओगे दादी हिंदी बि ॻाल्हाए दादा हिंदी दादा हिंदी बोल रहे दादी हिंदी बोले माँ हिंदी बोले पिताजी बेटा स्कूल जाओगे अच्छा जल्दी कपिड़े पहन लो माना घर में सिर्फ़ सिंधी ॻाल्हायो असांजे खुदि में दुर्भाग्य सां असांजे सहुरनि में सिंधी कोन सम्झंदा सिंधी सम्झंदा पर हिंदी ॻाल्हाए था असांजे भाभी असांजी मिसेज असांजो सहुरो असांजी ससु सभु सभु हिंदी ॻाल्हाए था त पवन त असां साले सिंधी सिखी कोन असां साले सिखी वेही वरी भेनर ॿई भेनर कोन असांजी जया हुजा जी माउ आहे असांजी इहे वरी बि सिंधी ॻाल्हाए वञनि बाक़ी असांजी सालियूं हिंदी सिंधी ॻाल्हाइनि कोन सारा सिंधी सिंधी ॻाल्हायूं अॼु न तॾहिं खां त वॾनि बिगाड़ियो आहे ॿारनि खे इन करे बंदि थिया आहिनि सिंधी स्कूल ऐं घर में अगरि सिंधी ॻाल्हायो इहो जेको तो सुवालु कयो ॾाढो सुठो आहे घर में मुंहिंजो अगरि ॿुधनि पिया माण्हू त घर में सिंधी ॻाल्हायो सिंधी व्यवहार रखो ओनली सिंधी फॉर द सिंधी टू द सिंधी असांखे सिंधियत खे बचाइणो आहे सिंधु प्रदेश खे सिंधु देश खे हिंदू देश खे हिंदू स्थान खे हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान उर्दू शब्द है हिंदू स्थान पे सिंधु स्थान हिंदू स्थान हिंदुनि जो स्थान इन ते असांखे गर्व हूंदो असीं सिंधी ॻाल्हाईंदासूं त ॿार बि सिंधी ॻाल्हाईंदा असीं सिंधी कोन था ॻाल्हायूं त ॿार सिंधी ॻाल्हाईंदा कीअं सिंधी सिखंदा के अहिड़े करे शुरू में ॾाढो जोश हो शुरू में वॾनि ॾाढो जोश हो सिंधी स्कूल खुलिया प्राइमरी मिडल सीनियर कॉलेज ताईं पर हाणे डिमांड हले पई भारतीय सिंधु सभा हलाए पियो सिंधु यूनिवर्सिटी भले सिंधु यूनिवर्सिटी ठाहियो स्कूल कॉलेज पर घर में सिंधी न ॻाल्हाईंदा न
तो मुझी तांखे सिंधी जो शब्द निमाणी निमाणी तांखे वेनती आए तांजे चरणन में मुझा हथ हैं त सिंधी घर में गालायो सिंधी घर में व्यवहार करो सिंधी सिर्फ सिंधी सिंधियत के सिंध ते हिंदू के गर्व करो इन शब्दों से वरी वापस विराम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय झूलेलाल जय भगवान शिव जय मां पर्वत जय मां पर्वत घणी घणी वरी वरी महरबानी तांजी भाऊ ता पंहिंजे बिजी शेड्यूल में असांखे टाइम कढी ॾिनो ऐं सिंधी नौजवान लाइ सिंधी परिवारनि लाइ जेको मैसेज ॾिनो आहे ज़रूरु उहो असांजे जेको आहे दिलियुनि में लहंदो ऐं असीं सिंधी जी तरफ़ वापसि वधंदासीं अगरि माण्हू शर्मदार हूंदा जी बिल्कुल शर्मदार आहिनि बिल्कुल आहिनि सिंधी शर्मदार हूंदा शर्मदार आहिनि स्वाभिमानी हूंदा स्वाभिमानी बिल्कुल बिल्कुल घर में ॻाल्हाइनि ॻाल्हाईंदासीं सिंधी वापराइनि सिंधीअ में सिंध जा पहाक ऐं सिंध जा पहाक दुनिया में सभिनि खां वधीक आहिनि बिल्कुल सिंध जा पहाक जेकॾहिं ॻाल्हाईंदासीं त असांजी भाषा सिमरत थींदी पहली हिंदीअ में चवंदा पहली सिंधीअ में पिरोलियूं ऐं पहाका कहावतूं सिंधनि में दुनिया में सभिनि खां वधीक आहिनि इन करे मां ॻाल्हि पूरी थो करियां जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय भॻवानु झूलेलाल जय शिव जय मां पार्वती जय मां शक्ति जय मां जगदम्बे जय चामुंडे जय भॻवानु शिव कैलाशपति जय जय भारत जय श्री राम वंदे मातरम।